तुम मुबल्लिग बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो वलीउल्लाह बन जाओगे। तो अजीजो कुरान मुकद्दस एक जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला की जात से निकला हुआ कलाम, ऐसे गैरों बात की किताब नहीं है, बल्कि आसमानी जितनी भी किताबें नाजिल हुई, तौरात है, जबूर है, इंजील है, सलीफा है, इनमें सबसे आला अगर कोई किताब है तो ये कुरान मुकद्दस है। तो अजीज तलबा आप और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे गए गुजरे दौर में, ऐसे फितनों के माहौल में, कभी पहले फितने पैदल आते थे और इस वक्त फितने सवारी पर बैठ करके आते हैं, एक फितना खत्म नहीं होता, दूसरा फितना जन्म ले लेता है। तस्बीह के धागे के टूटते ही पारे एक बार दिगर कैसे गिरते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में फितने चारों तरफ से आना है। तो ऐसे फितनों वाले माहौल में हमें कुरान करीम के जीवनात से आरास्ता होना पड़ेगा, कुरान करीम को अपनी जिंदगी का जुज़्वे लाइनफक बनाना पड़ेगा, कुरान करीम की तिलावत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा। कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बचपन ही से कुरान करीम को हुस्ने सौत के साथ पढ़ने की मेहनत, कोशिश, कुर्बानियां, मुजाहदा बर्दाश्त किया करते थे। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, जो कोई भी हमारी राह में कुर्बानी देगा, मुजाहदात, तकलीफें, परेशानियां उठाएगा, हम जरूर उसकी राहों को हमवार करेंगे। अजीज तलबा, जितने भी नाजरा पढ़ने वाले कुरान करीम है वो भी मेहनत करे, हिम्मत ना हारे और बेहतर अंदाज से पढ़ने की कोशिश करे। कोई कमरा जिसमें कोई ना हो तो वहां रहकर के मश्क करते रहे, जितनी भी मश्क करेंगे तो कहते हैं कि वो अफर आपके लिए आसान हो जाएगा। चुनाचे मैं सुना रहा था कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वो जमाने तालिबे इल्मी में दरबार चले जाते और जंगलों में जो पुराना कुआं होता तो बीच में गुजरकर के कुएं में मश्क करते, कभी तो मटका ले लेते, पानी पीने का जो मटका होता है वो मटके को लेकर के क्या करते, मस्त करते, क्योंकि उसमें आवाज क्या होती है, भी पहुंचती है, आवाज टकरा कर के बाहर आती है, वापस आती है, उससे पढ़ने में मजा दोबाला हो जाता है, लुत्फ हो जाए, लुत्फ आता है। इस अंदाज से वो कुरान करीम को पढ़ते थे और सिर्फ उनकी तिलावत को सुन करके कितने गैर मुस्लिम हल्का बमोश इस्लाम हुए हैं, इस्लाम की जबरदस्त मायना सदाकत बने उसके बाद। और जिन्नातों के मुताबिक भी आता है कि एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जबान से पूरे नबूवत से जब तिलावत कर रहे थे, पर आज के कारी जो बेहतर अंदाज से पढ़ते हो, इनका दिल साफ हो, मुजल्ला हो, मुसफ़ा हो, तमाम गंदगियों से, गुनाहों से पाक हो, और उस जबान के साथ जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो सामईन पर जरूर असर होगा और सामईन जरूर वजद में आएंगे और इंशाअल्लाह हमारे बिरादरान वतन को भी इस्लाम की नेमत से अल्लाह ताला सरफराज करेंगे। तो जहां कहीं मौका मिले हम तैयारी करें, हिम्मत ना हारे। देखिए हमारे कारी साहब उस्ताद महतरम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तगोदो कर रहे हैं, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं कि भाई चाहते हैं कि हर तालिब इल्म कारी बन जाए, यानी कुरान करीम को बेहतर अंदाज से, बेहतर शौक से पढ़ने वाला बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मैंने सुबह मेरी मजलिस में सुनाया था, ज़िक्रुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि अपनी अपनी तिलावत को कुरान करीम को बेहतर अंदाज से मुसय्यद करके पढ़ो, बेहतर अंदाज से पढ़ो। तदरीजन पढ़ने वाले भी
जवाब तबीलत पढ़ने वाले भी और हजरत पढ़ने वाले भी बेहतर अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें।